नमस्कार, टोन चैनल दे जम्मू समाचार विच आप जी का स्वागत। पहला इस बुलेटिन दीआं चोणवीआं खबरां। श्री सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर दे 13वें गवर्नर बने। साबका प्रधानमंत्री वाजपेई नूं श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर विच नाटक सैयां भाई कुतवाल दा मंचन। कोकरनाग खेतर विच अतवादियां अते फौज विचकार मुकाबला। हुण खबरां विस्तार नाल। तजर्बेकार राजनीतिक श्री सत्यपाल मलिक नूं जम्मू कश्मीर का 13वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। राजभवन विखे उन्होंने सहुं चुकाने की रसम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल वालों, साबका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अते महबूबा मुफ्ती अते 400 के लगभग प्रमुख शख्सियतों की हाजिरी में एक सादे अते प्रभावशाली समारोह में दवाई गई। श्री मलिक इस तो पहला बिहार अते उड़ीसा के राज्यपाल वालों सेवावां दे चुके हैं। संसदीय कार्य अते सैर सपाटा विभाग के कैबिनेट राज मंत्री अते कई संसदीय कमेटियां के मैंबर वजों वधिया कम्मां नूं वेखते हुए उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। श्री बीबी ब्यास, खुरशीद गनई, के विजय कुमार गवर्नर सलाहकार ने राजभवन विखे श्री मलिक नाल मुलाकात करके उन्होंने राज के वख विभागों के कामकाज संबंधी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीत प्रधान इंचार्ज श्री अविनाश राय खन्ना, बीजेपी स्टेट जनरल सैकटरी लद्दाख के इंचार्ज युद्धवीर सेठी, स्टेट वाइस प्रेजिडेंट को इंचार्ज कश्मीर सोफी यूनिस होर सीनियर पार्टी आगुआ ने भारत रत्न साबका प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री वाजपेई अपने आदर्शों नाल समझौता ना करने वाले, सही सोच के मालिक, लोक हित विच फैसले लैण वाले लोह पुरश से जाण नाल जो घाटा पार्टी अते देश नूं पिया है वह कदे पूरा नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर विखे आयोजित चौथे नाट रंग फैसटिवल 2018 का समापन लेखक बसंत सबनेश अते निर्देशक बलवंत ठाकुर के कॉमेडी नाटक सैयां भाई कुतवाल नाल होया। इस समारोह में श्री रमेश कुमार DC जम्मू बतौर मुख मेहमान शामिल होए। उन्होंने नाट रंग के इस उद्यम की प्रशंसा करते हुए कहा कि थिएटर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। डायरैक्टर बलवंत ठाकुर ने थिएटर प्रति बधेरे जानकारी देंदे दस्सिया कि थिएटर 35 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। हर महीने 4 नाटक खेडन का टीचा लैके 18 मई तो हुण तक 16 नाटकों की पेशकारी कर चुका है। उन्होंने कुल 48 नाटक खेडन का टीचा रख्या है। नाटक सैयां भाई कुतवाल अज के राजनीतिक अते समाजिक हालत दर्शाता होया नाटक है। कुछ अतवादियों के पिंड कोकरनाग के अहलान गडौल खेत्र में होने की खबर मिलते ही भारतीय फौज ने होर सरकारी एजेंसियों मिल के पूरे खेत्र को घेरे में ले लिया अते दोहां विचकार गोलाबारी शुरू है। गैर सरकारी सूत्रों मुताबक 3 अतवादी हलाक हो चुके हैं पर मुकाबला अजे जारी है। अनंतनाग खेत्र में इंटरनेट सेवावां बंद कर दी गई हैं। प्रेस या मीडिया को उत्थे जाण की आग्या नहीं दी जा रही। खबरां लिखे जाण तक मुकाबला जारी सी। इस नाल ही टोन चैनल के जम्मू समाचार समाप्त होंदे हैं। कल फिर मुलाकात होएगी। शबा खैर।